हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर टीचर वर्ल्ड। तो अपन प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे 28/10/2018 को जो पेपर हुआ था उसके 50 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके थे। उससे पहले लास्ट वीडियो में हुई त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 3 के बजाय 4 होगा। चलो नंबर 51, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है? अपने पास ब्रिटेन से लिया गया है। अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन से कौन कौन से संविधान में मुख्य मुख्य बातें सम्मिलित की गई हैं, तो वो कौन कौन से? एक तो संसदीय शासन व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन से ली गई है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैग, कंट्रोलर ऑडिट जनरल का पद भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है। अनुच्छेद 40 देखो, पंचायती राज व्यवस्था से, डीपीएसपी का भाग, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के, अनुच्छेद 40 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यूएनएफसीसीसी अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? 21 मार्च 1994, 5 जून 1992, 12 मई 1991, 5 जून 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1994। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा? देखो, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अपन नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा बनेंगे। अभी अगर अपना पेपर आएगा तो दोबारा करंट बेस्ड क्वेश्चन वापस से बनेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के चयन समिति के अध्यक्षता कौन करता? देखो, अपने टॉपिक, अपना जो सिलेबस है, सिलेबस में मुख्य रूप से ये हाईलाइट किया हुआ है कि राज्य मानव अधिकार आयोग है, और राज्य मानव अधिकार पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा अपने पास, ठीक है? तो इसके जो चयन समिति है, अध्यक्ष के जो अध्यक्ष कौन होता है इसका, जो पूर्व न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, वो इसका अध्यक्ष होता है। उसके उसका चयन कौन करता है? एक समिति होती है, और जो समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है? स्टेट वुमन कमीशन की बात करें तो 23 मार्च 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। 1+2, एक कैबिनेट, एक अध्यक्ष, और दो क्या होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष का नेता होता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 3 सत्र अर्थात 3 वर्ष, पहले 5 वर्ष था, अभी घटाकर कितना कर दिया, 3 वर्ष कर दिया गया है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें कांता भटनागर, और प्रेजेंट में कौन अपने पास, गोपाल कृष्ण व्यास। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? तो देखो, ऐसी जो चिंता है वो एकमात्र शख्स है, किसने व्यक्त की थी, एलन ग्लेड हिल, ऑप्शन नंबर 4। 1935 के भारत शासन अधिनियम के पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन। देखो, पारसियों को कोई ऐसा स्थान नहीं मिला था। अपने जो सिलेबस है, सिलेबस में 1919 और 1935 दो भारत शासन अधिनियम मुख्य रूप से हाईलाइट किए हुए हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था, तो इसे जून 1968 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अंबेडकर नहीं है? तो देखो, वी द पीपुल के पुस्तक के लेखक है डॉक्टर, और बाकी जो पुस्तक है वो डॉक्टर अंबेडकर ही। कौन कौन सी हैं? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी,
पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नेता और विचार। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद से संबंधित है, राम मनोहर लोहिया अपवाह सिद्धांत। तो देखो, राम मनोहर लोहिया अपवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है साथियों। एम एन रॉय नव मानववाद से संबंधित है, एकदम सही बात है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सरकार या आयोग के सदस्य हैं। देखो कौन सा आयोग है, सरकार या आयोग, देखो सदस्य रहे हैं वी शिवारमन, वाई वी चंद्रचूड, एम एम पुंछी, जे के रेड्डी। तो देखो आंसर बताने से पहले देखो पहले एक बार सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, रणजीत सिंह सरकारिया। 1983 में इसका गठन किया गया था। इसका आंसर बी शिवारमन होगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं, अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कथन किसका है। यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान राज्य सरकार में रहे मुख्य सचिवों के, देखो मुख्य सचिव अपने टॉपिक है सिलेबस में, परंतु ये 2013 से 2018 मतलब करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-2-3 समझौता हाई एक्ट किससे संबंधित है। 1-2-3 समझौता और हाई एक्ट भारत और अमेरिका के असैनिक परमाणु समझौते से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज नाम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार, सरपंच द्वारा सॉरी मनोनीत सदस्य। तो मतदाता सूची के दर्ज सभी निवासी आएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत, जो देखो करंट बेस क्वेश्चन है, ये भी नहीं करेंगे अपन। अपूर्वी चंदेला करंट बेस क्वेश्चन है, उस समय ये भी करंट का क्वेश्चन है। दस से पंद्रह क्वेश्चन आते हैं करंट के, हालांकि सिलेबस में अपने को 10 क्वेश्चन ही बताए गए हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक होता है। विदेश से प्राप्त आय में, आय से, पूंजी उपभोक्ता भत्ता, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी उपभोग भत्ता से। 78 को देखो, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर न्यूनतम क्यों रही। न्यूनतम का कारण यह था कि इसका कार्यकाल 1961 से 1966 के मध्य था। 62 और 65 में भारत दो बड़े युद्धों को झेल चुका था और युद्धों के कारण अपनी अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा चुकी थी, और डगमगाने के कारण इसका जो वृद्धि दर थी वो न्यूनतम रही थी। 79 का क्वेश्चन देखो, 79 और 18 दोनों ही करंट बेस क्वेश्चन है। 81 का देखो, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्नलिखित में से
किस श्रेणी से संबंधित है। देखो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए अब 81 से 100 तक, मतलब 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आएंगे। तो देखो व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक, कार्य की और राजनीतिक। देखो सम्मान और प्रतिष्ठा, अगर सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति कहाँ पर प्राप्त करेगा, समाज में प्राप्त करेगा, तो ये किससे संबंधित होंगे, सामाजिक से संबंधित होंगे। 82 देखो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसके जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचार को, भावनाओं का अवलोकन किया जाता है कहलाता है प्रश्नावली, व्यक्ति का अध्ययन, निर्धारण, मापनी और प्रक्षेपण। तो क्या जगह, व्यक्तित्व अध्ययन, व्यक्तित्व अध्ययन, क्योंकि इसके जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचार और भावनाओं का अवलोकन व्यक्तित्व अध्ययन के तहत ही किया जाता है अपने को। निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, अनुभवात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक। तो देखो को महत्व नहीं दिया गया था, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। तो देखो कथन दिए गए हैं, अपने को बताना कौन सा उच्च बुद्धि का। एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त हुए। तो देखो 105 अंक कोई उच्च बुद्धि का कोई संकेत नहीं होता है। याद करके पता बताना, तो याद करके पता बताना भी कोई उच्च बुद्धि का संकेत नहीं है। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने के पर दोबारा नहीं करना। तो देखो अगर कोई बच्चा समान गलती करता है और उसको फीडबैक देते हैं, और फीडबैक के पश्चात अगर वो गलती नहीं दोहराता है, तो वो उच्च बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह है यांत्रिक की कहलाती है, क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापना, प्रक्षेपण। तो देखो बालक स्वयं तो कुछ कार्य करता नहीं है इसमें, और हमेशा अपने जो दोष है वो किसके ऊपर, अध्यापक के ऊपर ही डालता रहता है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन मेथड कहलाएगा। एच सेल्डन ने सभी मनुष्य के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत, सील गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। तो एच सेल्डन के अनुसार, एच सेल्डन के अनुसार कौन सा जगह, प्रारूप सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत एच सेल्डन के अनुसार था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में नहीं है, बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में नहीं है। देखो बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करते हैं, नहीं। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, नहीं। ये सब नहीं है। बालक प्रौढ़ों की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है, नहीं। प्रौढ़ों के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। ये कुछ जितना है, सो कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। पहला है सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, नहीं है। देखो आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं है, संबंधित नहीं है। तो एक लंबी कविता को याद करना, एक लंबी कविता को याद करना कोई ऐसा परीक्षण नहीं था टॉरेंस का। तो कौन सा जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था। तो सभी की अवस्था बाल्य अवस्था धीमी अवस्था होती है शारीरिक विकास के दौरान, परंतु आंतरिक रूप से इसमें विकास होता है पूर्णतः। 89 90 केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो देखो आरबी केटल, आरबी केटल का जो परीक्षण था वो अशाब्दिक प्रकार का परीक्षण था, अशाब्दिक परीक्षण था।
धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? संवर्धन, तावरण, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण। तो कौन सा आ जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। बच्चे को सिखाओ, उसकी कमियों को वापस सिखाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास अनुवांशिकी का परिणाम है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप का द्वारा होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास की विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं। अनुवांशिकी का परिणाम नहीं होता है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप का द्वारा होता है। यादृच्छिक प्रारूप नहीं होता, रैंडम नहीं होता है विकास कभी भी। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ये कुछ आंसर सही होता तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड आंसर। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। बालकों विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों को कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं को प्रभावी तरीके से समाधान करना, विश्व के बारे में समय की गलत संपत्तियों को सुधारना। तो देखो, एक अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? बालक और विद्यार्थियों को समझना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? फर्स्ट आंसर हो जाएगा साथियों। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है। अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहार परक उपागम का, सामाजिक निर्मितिवाद, को सभी मिलकर करते हैं। तो कौन सा जगह? सामाजिक निर्मितिवाद उपागम। तो कौन सा जगह? थर्ड आएगा। 95। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों का, न तो आंतरिक न बाह्य का। देखो, रोहन को खुद को रुचि है, अंदर से रुचि है कि आगे बाहुबली की उसके परिवार और बाहुबली के साथ क्या होता है। तो अंदर से है तो कौन से हो जाएगी? आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। तो केवल आंतरिक। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा इसका। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप से अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है? हावर्ड गार्डनर, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। तो कौन सा? त्रितंत्र किसने दिया था? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, मानकीय विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा है? मानकीय विज्ञान है, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है, कॉलम एक कॉलम दो को सम्मिलित कीजिए। मनोवैज्ञानिकों के नाम। मनोविश्लेषण, देखो मनोविश्लेषण किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट किसका? मैक्स वर्दिमर का। तीसरे में डी। फिर आ जाएगा सीएल हल। व्यवहारवाद किसका है? सीएल हल का। और निर्मितिवाद लेव वाइगोत्स्की का। तो इस प्रकार अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले में सी ए, सी ए, सी ए कौन से में है? तीसरे में है। नेक्स्ट 99। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अनुबंधात्मक स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्या से बचने के लिए सलाह देना उपयुक्त नहीं। देखो, समस्या से बचने के लिए सलाह देना ये तो उपयुक्त नहीं है, पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। तो
तो इस प्रकार देखो साथियों, अपने 28/10/2018 को जो सेकंड ग्रेड एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसको अपने ने संपन्न किया है। आगे भी इसी कड़ी में 30/10/2018 को, सॉरी 31 या 30 को एक एग्जाम और हुआ था सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, उसको अपन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा जो किया गया प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ सभी से आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।